सब्सक्राइब मेरे चैनल हनीज ब्यूटी एंड हेल्थ और साइड पे बेल आइकॉन को आप प्रेस करने से मेरी सारे लेटेस्ट वीडियोस अपडेट्स आपको जल्दी से मिल जाती हैं, तो इसके लिए बेल सिंबल को जरूर क्लिक कीजिए। हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल हनीज ब्यूटी एंड हेल्थ। एज यू नो, मैं हूं हनी। आज हम बात करेंगे होठों को गुलाबी और खूबसूरत बनाने का एक बेस्ट तरीका, क्योंकि ऑलरेडी सर्दी का मौसम तो स्टार्ट हो चुकी है। इस सर्दी का मौसम में ना हर कोई का होठों लिप्स जो है सूखे सूखे ड्राई होता है और चैपिड भी होता है। चैपिड लिप्स को स्मूथ और पिंक बनाने का और अपना लिप्स को डार्क लिप्स को पिंकिश और ब्राइटनिंग बनाने का एक ज़बरदस्त घरेलू तरीका इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ, क्योंकि ना मार्केट में काफ़ी सारे लिप टिंट, लिप कलर्स और लिप बम्स हैं। तो आज मैं आपको नेचुरल तरीके से एक सिंपल सा लिप बम कैसे बनाना है इस वीडियो में बताने वाली हूँ। ये 100% नेचुरल लिप बम है। इससे अपना लिप्स का कलर जो है बहुत अच्छे से इम्प्रूव होगा, लिप्स भी बहुत पिंकिश हो जाती है। ये लिप बम से डार्क लिप्स भी लाइटन होगा, वो भी परमानेंटली। और काफ़ी सारे लोगों को ना होठों के ऊपर पिगमेंटेशन, स्प्रिंकल्स भी प्रॉब्लम हो जाती है, उसकी वजह से लिप्स ना सूखे सूखे ड्राई और स्क्वीज हो जाती हैं। तो उनके लिए ना ये लिप बम बहुत अच्छा काम करती हैं, क्योंकि मेरे लिप्स भी कभी कभी मैं लिपस्टिक शूट्स करने की वजह से, ताकि मैं ऑफिस जाने के टाइम पे भी लिप्स बहुत सूखे सूखे लगता है, फिर भी मैं उसके ऊपर ही लिप बम मॉइस्चराइजर डायरेक्टली मैं लिपस्टिक और लिप कलर अप्लाई करती हूँ। तो इसलिए अपना लिप्स को केयर करना बहुत इंपॉर्टेंट है, ताकि आप लिपस्टिक अप्लाई करो, लिप टिंट अप्लाई करो, लिप को नेचुरली मॉइस्चराइज करना है और लिप्स को लिप बम अप्लाई करना जरूरी है। तो लिप बम तो मार्केट में काफ़ी सारा अवेलेबल है, लेकिन वो थोड़ा केमिकल फ्री है। अच्छे वाला लिप बम्स खरीदना है तो वो 1000, 2000, 3000 में रहता है। जैसा क्वालिटी रहेगा कॉस्ट वैसे ही रहता है। तो इसलिए आज मैं आपको नेचुरल तरीके से लिप बम कैसे बनाना है बताने वाली हूँ। सेम मार्केट वाला लिप बम की जैसा इफेक्ट मिलता है और उससे ज़्यादा भी इफेक्ट रिजल्ट मिलता है। अच्छे रिजल्ट के लिए वीडियो को एंड तक देखिए। सो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पिंक लिप्स रेमेडी के लिए हमें चाहिए चुकंदर। मैं ऑलरेडी चुकंदर को बीटरूट को फाइन पेस्ट जैसा बना चुकी हूँ। अभी इसके अंदर मैं रस निकाल लेती हूँ। चुकंदर का रस निकाल चुकी हूँ मैं। एक बॉल में 2 चम्मच चुकंदर का रस ऐड कर चुकी हूँ और इसमें हमें ऐड करना है 1 चम्मच कोकोनट ऑयल। 1 चम्मच कोकोनट ऑयल। अगर आपके पास कोकोनट ऑयल नहीं है तो आप इस जगह ऑलमंड ऑयल यानी कि ऑलिव ऑयल भी इस्तेमाल कर सकते हो, क्योंकि कोकोनट ऑयल से ना अपना लिप्स अच्छी तरह मॉइस्चराइज होता है और इससे अपना स्किन ड्राई चैपिड लिप्स भी स्मूथ और सपुल बनता है। इसलिए मैंने कोकोनट ऑयल इस्तेमाल कर चुकी हूँ। और इसके बाद हमें इसमें ऐड करना है किसी भी मॉइस्चराइजर, क्योंकि मॉइस्चराइजर मैं यहाँ पे बायोटिक मॉइस्चराइजर यूज़ कर रही हूँ। आप अपने पसंद की किसी भी मॉइस्चराइजर इस्तेमाल कर सकती हूँ। मैं यहाँ पे सिर्फ 1 चम्मच मॉइस्चराइजर यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि मॉइस्चराइजर अपना स्किन को मॉइस्चराइज करता है और इससे अपना स्किन टेक्सचर भी इम्प्रूव होता है और अपना स्किन को लाइटन और नेचुरल बना देती है। इसलिए मैं मॉइस्चराइजर यूज़ कर रही हूँ। अभी ये दो चीज़ को अच्छे से मिला ले रही हूँ, क्योंकि ये थोड़ा लिक्विड जैसा होता है, इसलिए इसको अच्छे से मिक्स करना है। अब जितना अच्छा मिक्स करोगे उतना अच्छा रिजल्ट मिल जाता है आपको। ये नेचुरल चीज़ इसमें चुकंदर की वजह से ये अपना होठों को पिंकिश बना देती है और इससे ये अपना चुकंदर बीटरूट इसमें एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज रहता है। इससे अपना ड्राई चैपिड लिप्स रिपेयर होता है, अपना लिप्स का कॉम्प्लेक्शन भी इम्प्रूव होगा। डार्क लिप्स है, अगर आपका डार्क लिप्स का प्रॉब्लम है तो इससे आप होठों के ऊपर अप्लाई करने से डार्क लिप्स भी लाइटन हो जाता है। अभी ये अच्छे से मिक्स हो गया, आप देख सकती हो। अभी इसको आप इस सॉल्यूशन को एक छोटा सा 8 टाइप कंटेनर में डाल के रेफ्रिजरेटर में रखना है, क्योंकि रेफ्रिजरेटर में आप रखने के बाद इसको इस्तेमाल कर सकती हो, क्योंकि रेफ्रिजरेटर में रखने से आप जब चाहिए जब इस लिप बम को इस्तेमाल कर सकते हो, क्योंकि रेफ्रिजरेटर में रखने से एक क्यूब हो जाएगा। तो आप जब चाहिए जब अपना होठों को अप्लाई कर सकते हो, तो इसलिए आप इसको रेफ्रिजरेटर में रखना है 6 घंटे के लिए। 6 घंटे के बाद आप इसको इस्तेमाल कर सकते हो। अभी इसको कैसे इस्तेमाल करना मैं आपको अप्लाई करके दिखाती हूँ। रेफ्रिजरेटर में रखने के बाद अभी इसको आप अपना होठों के ऊपर अप्लाई करना है। अगर आपके होठों के ऊपर लिप बाम है या लिप टिंट लिपस्टिक है उसको अच्छी तरह रिमूव कीजिए। इसके बाद रिमूव करके अपना होठों को फ्रेशली वॉश कीजिए। इसके बाद इस लिप बाम को आप अपना होठों के ऊपर अप्लाई कीजिए। अप्लाई करके
2 से 3 मिनट के लिए मसाज कीजिए। इसके बाद इसको ऐसे ही अपना होटल के ऊपर छोड़ दीजिए, क्योंकि ऐसा होने से आपको इंस्टेंटली अपना डार्क लिप्स पिंकिश हो जाएगा, क्योंकि इसमें मॉइस्चराइज भी रेड ऑयल में हाई अमाउंट ऑफ मॉइस्चराइज रहता है, और इससे अपना स्किन का टेक्सचर भी इम्प्रूव होता है, अपना होठों भी बहुत स्मूथ और सपल हो जाता है, क्योंकि सर्दियों के मौसम में अपना होठों पिंक लिप्स जो है बहुत सूखे सूखे दिखता है, तो सूखे लिप्स के लिए बेस्ट है। चुकंदर से अपना होठ लिप्स जो है नेचुरली पिंकिश हो जाती हैं, और ये अपना होठों के ऊपर पिगमेंटेशन को फाइन लाइंस को दूर करता है। और अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, और साइड पे बेल आइकॉन एक घंटी रहता है उसको आप दबाने से मैं जब भी वीडियो अपलोड करूँ आपको नोटिफिकेशन आ जाती है, इसके लिए आप बेल सिंबल को ज़रूर दबाइए। सो ये था आज की मेरी वीडियो, अगर आपको मेरी इस वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। इस वीडियो को रिगार्डिंग कुछ भी कॉमेंट है तो नीचे आप कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट कर सकते हो, उसके आंसर मैं ज़रूर दूँगी। फिर मिलती मैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। एवर्टीन मेंचुअल कप, एवर्टीन मेंचुअल कप अपना पैड की जगह एवर्टीन मेंचुअल कप को आप यूज़ कीजिए। 12 आवर्स लीकेज प्रोटेक्शन देती है, और आउटडोर इंडोर स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करना है आप एवर्टीन मेंचुअल कप को यूज़ करके पार्टिसिपेट कर सकते हो। एवर्टीन मेंचुअल कप एनवायरमेंट के लिए भी बहुत अच्छा है, आप पैड प्लास्टिक पैड्स की जगह एवर्टीन मेंचुअल कप को यूज़ करने से आप पीरियड्स पे आराम से कहीं भी घूम सकते हो, स्विमिंग डांसिंग और अपना ओन एक्टिविटीज़ में भी पार्टिसिपेट कर सकते हो। एवर्टीन मेंचुअल कप हर कोई यूज़ कर सकते हो, हर वुमेन के लिए एवर्टीन मेंचुअल कप बेस्ट है, तो पैड कीजिएगा एवर्टीन मेंचुअल कप को जरूर यूज़ कीजिए। इस एवर्टीन मेंचुअल कप को खरीदना है, लिंक वीडियो को नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप वहीं से चेक करके खरीद सकते हो। प्लीज़ सब्सक्राइब मेरे चैनल हनीज़ ब्यूटी एंड हेल्थ, और साइड पर बेल आइकॉन को आप प्रेस करने से मेरी सारे लेटेस्ट वीडियोस अपडेट्स आपको जल्दी से मिल जाती हैं, तो इसके लिए बेल सिंबल को ज़रूर क्लिक कीजिए।